केशकाल अटल आवास योजना में हितग्राहियों से अवैध वसूली। केशकाल प्रधानमंत्री अटल आवास योजना ग्रामीण में जिले में हुए बेहतर काम की रैंकिंग में कोंडागांव जिला ने देश में दूसरे और प्रदेश में पहले पायदान पर अपना स्थान बनाया है, जिस वजह से जिला को पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन ग्राम पंचायत सिदाव के गरीब आदिवासी हितग्राही अपने निर्माण कार्य के लिए प्राप्त राशि में से अवैध वसूली से परेशान है। उनका कहना है, जिन्हें आवास योजना में सहयोग करने मितान बनाया गया है, उनके द्वारा अटल आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि में से हमसे अवैध उगाही की जा रही है, जिस वजह से उनका आवास निर्माण कार्य अधूरा रह कर अध रमे लटक गया है। तुम्हारा क्या नाम है? लतेल नेता। लतेल नेता। पिता का क्या नाम है? किस गांव में रहते हो? क्या हुआ है? मेरा भी बन गया, खिड़की फाटक बच गया है। इंदिरा आवास बन चुका है? बन गया है, बस खिड़की फाटक बचा है। खिड़की फाटक प्लास्टर हो गया? टोटल हो गया है। तो तुमसे भी पैसा खाए? ले लिया है। है? हाँ। कितना रुपए लिए? 3000। कौन लिया? दिनेश मरकाम। मरकाम ये कहाँ रहता है? ओका मेटर। ये क्या है? मरकाम। मरकाम है, क्या करता है, क्या काम करता है? आवास मितान है। अच्छा, इसके अलावा और कोई पैसा खाया है? नहीं। और तुम्हारा वही पैसा खाया गया है ना? और गांव में आसपास? नहीं। और आसपास के लोग जो इंदिरा आवास बना रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, उनसे भी पैसा लिए हैं क्या? पता नहीं मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसाराम नेताम। पिता है चमरा राम नेताम। कहाँ रहते हो? मैं गुडी पारा के रहने वाले। आपका क्या हुआ है? मेरा इंदिरा आवास मकान बनाया था, उसका पैसा 3000 इंदिरा आवास लोगों को मांग के ले गए। कौन ले लिया? इंदिरा आवास मित्र दिनेश मकाम ब्रिज यादव। 3000 रुपया? हाँ। और कौन लिया? बस। नहीं, उसके बाद कोई ऑफिस में या बैंक में कहीं पर? और बैंक में 4000। कौन बैंक में? ग्रामीण बैंक। वो कौन लिया? जब निकाले चेक काट दिए थे 24000, वहाँ से 24000 में 20000 दिए, 4000 नहीं दिए। कौन नहीं दिया? हाँ, बैंक वाले। बैंक वाले 24000 का चेक काटे थे तो 20000 दिए। हाँ। अभी तुम्हारा इंदिरा आवास पूरा हो गया? पूरा बन गया? थोड़ा सा बचा है, छबाई करने बचा है और खिड़की पाटक लगाने बचा है। और अभी बन जाएगा तुम्हारा घर? नहीं बना है, अधूरा है। तुम क्या चाहते हो? अभी पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। पैसा चाहिए? पैसा कम है ना? ये लोग अगर पैसा दे देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना? ये लोग अगर जो पैसा खाए हैं तुम्हारा तो वो तुम्हारा घर बन जाएगा, है नी? ठीक। और इस बात को जब जांच होगा तो बोलोगे आप? CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। केशकाल शिव मंदिर में रखी हैं पाषाण अनमोल प्रतिमाएं। केशकाल के शिव मंदिर में रखी बेजुबान पाषाण प्रतिमाएं अनमोल है और ये मूर्तियां इतिहास एवं पुरातत्व के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह बात हमें मालूम हुई इतिहास एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ एवं प्रसिद्ध साहित्यकार राजीव रंजन जी एवं केवल कृष्ण जी एवं आशुतोष सोनी से, जब इन पर इनकी निगाह पड़ी और उन्होंने इनके बारे में बताया। केशकाल के शिव मंदिर प्रांगण के किनारे में एक चबूतरे पर रखी हुई भगवान विष्णु की चतुर्भुज मनमोहक मुद्रा में और नरसिंहनाथ जी अलमस्त बैठे हुए मुद्रा में बनी पाषाण प्रतिमा की अद्भुत आकर्षक मूर्ति कला हम सबको आकर्षित एवं प्रभावित तो करती थी, पर आम जन यह नहीं जानते थे कि ये इतनी अनमोल और महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, केवल कृष्ण जी एवं आशुतोष सोनी जी ने जब प्रख्यात समाज सेवी और पत्रकार कृष्णदत्त उपाध्याय और शिव मंदिर के संरक्षक विजय अग्निहोत्री जी को इन मूर्तियों के बारे में जानकारी दिया, तब यह बात मालूम पड़ी। इन मूर्तियों की महत्वता की तरफ ध्यानाकर्षित करते ही श्री विजय अग्निहोत्री जी ने मूर्तियों को मौसम की मार से बचाए रखने के लिए उक्त चबूतरे पर शेड बनवाने का फैसला लेते हुए मूर्तियों को सुरक्षित रखने का अन्य उपाय करने का प्रयास आरंभ कर दिया है। बस्तर के स्वर्णिम इतिहास को अपने आप में आत्मसात कर साख शिव बतौर विराजमान इन मूर्तियों को अब सहेज कर सुरक्षित रखने का उपाय किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने बस्तर के वैभवशाली इतिहास को देख कर जान समझ सके। इस कड़ी में यह बता देना लाजमी होगा कि बस्तर के अति प्राचीन तालाबों की श्रृंखला में गिने जाने वाले बस्तर टेंट केशकाल के पीछे स्थित कप्पे तालाब के किनारे में शिव मंदिर है।
शिव मंदिर के समीप ही एक विशालकाय सेमर का वृक्ष हुआ करता था, जिसके पास ही यह चतुर्भुज विष्णु भगवान और नरसिंहनाथ जी की यह मूर्ति रहा करती थी। सेमर पेड़ के धराशाही हो जाने तथा शिव मंदिर का पुनर्निर्माण होने के बाद मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें अब मंदिर के परकोटा के किनारे पर एक चबूतरा बनाकर रखा गया है। इन मूर्तियों के बारे में केशकाल के सबसे उम्रदराज बड़े बुजुर्गों से भी पूछने पर वो यह नहीं बता पाते हैं कि ये मूर्तियां कब कहां मिली थी या कहां से लाया गया था। जिन्हें भी पूछा जाता है वो यही कहते हैं कि जब से हम देख रहे हैं तब से मूर्तियों को यही इस हाल में देखते आ रहे हैं। इस कड़ी में यह भी जान लेना सही होगा कि केशकाल से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम कत्सिलियारा है, जहां पर आज भी अति प्राचीन पुरावशेष है और यह माना जाता है कि यह कभी किसी राजा का गढ़ रहा होगा। मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक ग्राम कद धनौरा है, जहां पर भी नलवंशीय नागवंशीय राजाओं के काल के बनाए गए मंदिरों का भग्नावशेष एवं प्राचीन पाषाण प्रतिमा बड़ी मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मिला है। यहां पर मिले विशालकाय शिवलिंग चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा आगंतुकों को बहुत प्रभावित करती है। वैसे भी इस अंचल में नलवंशीय नागवंशीय काल की प्रतिमा एवं पुरावशेष कई स्थानों पर मिला हुआ है, जिसके संदर्भ में घनश्याम नागजी के द्वारा जानकारी दिया गया है। कृष्णदत्त उपाध्याय जी का इस संबंध में कहना है, मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक इतिहास एवं पुरातत्व सभ्यता संस्कृति पर विशेष रुचि रखने वालों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आएं और गुमनामी के अंधेरे में खोए बस्तर के गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास पर प्रकाश डालें। CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। केशकाल घनसा घाटी चिप्रेल से लगभग 2 किलोमीटर तथा गौरगांव से छिंदगढ़ होते हुए घनसा घाटी पहुंचा जा सकता है। घनसा घाटी में गढ़ हिंगलाज का स्थान माना जाता है और मंदिर स्थापित किया गया है। यहां पर घाट वाली बूढ़ी माता एवं बूढ़ा देव का मंदिर भी है। घनसा घाटी के गढ़ हिंगलाज का मंदिर में जात्रा भादो माह में शनिवार को सम्पन्न होने वाले भगाराम के जात्रा के पश्चात शनिवार को होता है। इसी प्रकार शनिवार को ही चैत माह में शनिवार को आमा जोगानी पर लोग एकत्रित होते हैं। आमा जोगानी पर लगभग 70 शोरी परिवार एकत्रित होते हैं। गढ़ हिंगलाज शोरी परिवार की आराध्य देवी है। इस मंदिर की व्यवस्था एवं विकास हेतु समिति गठित है। आदिशक्ति धर्मरक्षा समिति घनसाघाटी गौरगांव के इस मंदिर की व्यवस्था एवं विकास का कार्य करती है। आदिशक्ति धर्मरक्षा समिति घनसा घाटी गौरगांव केस काल के अध्यक्ष श्री करण सिंह निवासी को दोभाट उपाध्यक्ष श्री घस्सूराम शोरी एवं सचिव श्री जंगलराम शोरी हैं। यहां एक खो है जहां पर तलवार भाला बंदूक इत्यादि आयुध सामग्री रखा हुआ था। अंग्रेजों ने जगदलपुर से 6 पुलिस वालों को भेजकर इसे जब्त कर लिया। बताया जाता है कि गौरगांव में एक बाबा रहते थे, उन्होंने पीपल का पेड़ जगाया था तो आज भी जीवित है। उस बाबा का पुत्र पुलिस की नौकरी करता था, उसकी मुखबिरी से ही जब्ती की कार्यवाही की जा सकी। CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। जगदलपुर हरतालिका तीज व्रत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवविवाहिते और महिलाएं ने श्रावणी तीज को हरियाली तीज की तरह मनाया। जगदलपुर हरतालिका तीज व्रत नवविवाहिते और महिलाएं श्रावणी तीज को हरियाली तीज की तरह मनाया। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां पत सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस व्रत को तीज हरितालिका तीज अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्योहार है। कहा जाता है कि इसी दिन शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन इसी दिन हुआ था। हरियाली तीज शिव पार्वती के मिलन का दिन है। सुहागिनों द्वारा शिव पार्वती जैसे सुखी पारिवारिक जीवन जीने की कामना का पर्व है। वास्तव में हरतालिका तीज सुहागिनों का त्योहार है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों में कुंवारी लड़कियाँ भी मनोनुकूल पति प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती है। भद्रा मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। जगदलपुर के महादेव घाट स्थित इंद्रावती नदी, गंगामुंडा तालाब व शहर में स्थित तालाबों पर सुहागिनों और महिलाओं ने हरतालिका तीज व्रत मनाया गया। शांतिपूर्ण रूप से यह त्योहार मनाया गया। CNI न्यूज जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। जगदलपुर आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणाओं का शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर। गांवों, गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों सहित हर वर्ग का हितैषी है शपथ पत्र। सभी विधानसभाओं के लिए जारी किया गया पृथक पृथक घोषणा पत्र। बिजली का बिल हाफ, पानी का बिल माफ, शराबबंदी, मोहल्ला ग्राम क्लिनिक 2600 में धान, वृद्ध विधवा दिव्या
का पेंशन 2500, नियमितीकरण, राज्य परिवहन और बहुत कुछ। प्रदेश स्तरीय 11 और विधानसभा स्तरीय 13 बिंदुओं पर जारी किया आपने शपथ पत्र। जगदलपुर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर की सभी घोषित विधानसभाओं के लिए बनाए गए घोषणाओं के पृथक पृथक शपथ पत्रों को एक साथ बुधवार को पत्रवार्ता कर जारी किया है, जिसमें प्रदेश स्तरीय 11 और विधानसभा स्तरीय 13 बिंदुओं पर स्टाम्प में नोटरी किया हुआ शपथ पत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर एक घोषणा पत्र एवं विधानसभावार स्थानीय मुद्दों का संकलन कर पृथक पृथक घोषणा पत्र बनाया गया है, साथ ही इन घोषणाओं को शपथ पत्र पर जारी किया है, जिसमें प्रत्याशी द्वारा घोषित किए जा रहे कार्यों को सरकार बनने पर पूर्ण कराए जाने की शपथ ली गई है। इन सभी घोषणा पत्रों में पार्टी द्वारा चलाए गए सीधी बात अभियान के तहत संकलित समस्याओं और जनता के मांगों को शामिल कर जन घोषणा पत्र का रूप दिया गया है। छत्तीसगढ़ एवं देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जहां कोई पार्टी प्रदेश एवं विधानसभा स्तर पर अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रही हो। जगदलपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रोहित सिंह आर्य ने पत्रवार्ता के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र का 13 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया। CNI न्यूज जगदलपुर से वासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। रायपुर कबीर आंदोलन में भाग लेने PL पुनिया जी 15 सितंबर को भखारा आएंगे। धमतरी जिला के 42 गांवों में चलेगा कबीर आंदोलन। आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी श्री PL पुनिया जी कबीर आंदोलन का समर्थन करने भखारा आएंगे। आंदोलनकारियों से हुई मुलाकात में पुनिया जी ने 15 सितंबर की सुबह 11 बजे भखारा आने का आश्वासन दिया है। साथ ही आंदोलन में कबीरपंथी सांसद ताम्रध्वज साहू जी एवं पूर्व सांसद चरण दास महंत जी भी भखारा आएंगे। इसके अलावा कबीरपंथी विधायक धनेंद्र साहू भी भखारा आएंगे। कबीर आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी रंजीत साहिब एवं राष्ट्रीय संत सनात साहिब की अगुवाई में धमतरी जिला के कबीरपंथियों की 8 सूत्रीय मांग को लेकर कबीर आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत 15 सितंबर को नगर पंचायत भखारा से होगी, जो लगातार धमतरी जिला के अलग अलग गांवों में 42 दिनों तक चलेगा। आंदोलन को धमतरी जिला के संतों का समर्थन है। कबीर आश्रम डोमा, कबीर आश्रम कोलियारी, कबीर आश्रम भानपुरी, कबीर आश्रम कोसमर्रा, कबीर आश्रम गातापार, कबीर आश्रम पोटियाडी, कबीर आश्रम पीपरछेड़ी, कबीर आश्रम लिमत्रा, कबीर आश्रम नवागांव आदि आश्रमों के संतों का समर्थन है। आंदोलन के दौरान 100 सेकंड भी अधिक संतों का जमात रहेगा। इसकी व्यापक तैयारी कर ली गई। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में छात्र छात्राओं को VVM मशीन में वोट करने का प्रशिक्षण दिया गया। डोंगरगढ़ भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित VVM मशीनों से मतदान करने का तरीका सिखाने के लिए जगह जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत विगत दिनों स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा युवा व पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान करने का तरीका सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मास ट्रेनर्स मनोज कुमार रंगारी सहायक प्राध्यापक रामाटोला के द्वारा शिशु मंदिर के 12वीं के छात्र छात्राओं को VVM मशीन का उपयोग करते हुए मतदान करने का तरीका बताया गया। श्री रंगारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष संपन्न करने के लिए 3 मशीन तैयार की गई है, जिसे 3 यूनिट में बांटा गया है। पहल यूनिट कंट्रोल यूनिट है, जिसमें वैलेट पेपर जारी होगा। दूसरा यूनिट वैलेट यूनिट है, जिसकी बटन दबाकर मतदान करेंगे, तथा तीसरा VVPAT यूनिट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने किस प्रत्याशी को वोट किया है, यानी VVPAT से पर्ची निकलेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आपने जो बटन दबाई है वही बटन दबी है या नहीं। मनोज रंगारी ने बताया कि इस नई मशीन से मतदाता अपने मनपसंद उम्मीदवार को मतदान कर पाएगा। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य प्रकाश यादव, श्रीराम अग्रवाल, थैलेश साहू, सुरेशदास वैष्णव, रितेश सक्सेना सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से जिला ब्यूरो महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। रायपुर राजधानी में सेवागिरी जन आंदोलन समिति शुरू। यह समिति गंज खेल मैदान स्टेशन रोड पर संचालित हो रही है। समिति के अध्यक्ष रुपेश यादव ने हमें बताया कि यह समिति जरूरतमंद लोगों की सुख दुख पर उनकी सेवा करना, उनको जरूरी सामान जैसे किराया, भंडार का सारा सामान निशुल्क मुहैया कराना, बच्चों को निशुल्क व्यायाम
सिखाना, योग सिखाना, वृद्धजनों एवं जरूरतमंद को चाय नाश्ता करवाना, भूखे लोगों को भोजन मुहैया करवाना, समय समय पर पहनते उड़ने के लिए कपड़े मुहैया कराना, तमाम जनसेवा के कार्यों के लिए निशुल्क भाव से सेवा कर रही है। सेवा का स्तर देखकर कई छोटे बड़े सेवादार इस समिति से जुड़ रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। CNI न्यूज रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। फरसगांव किसान यात्रा जगदलपुर से निकलकर रायपुर जा रहे हैं कि प्रमुख मांगों में धान समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ इसके अलावा इस साल कम बारिश हुई है क्षेत्र में, इसलिए सूखा घोषित करने व कर्जा माफी की मांगों से सरकार को अवगत कराने के लिए राजधानी रावना हुए हैं। CNI न्यूज फरसगांव से खुशवंत सिंह बदेशा की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ नगर पालिका के द्वारा संचालित कांजी हाउस में 3 दिनों से मृत पड़ी मिली गाय की लाश कांग्रेसियों ने SDM को शिकायत कर जांच की मांग रखी। डोंगरगढ़ नगर पालिका के द्वारा संचालित कांजी हाउस से बदबू आने पर आसपास रहने वाले नागरिकों और व्यापारियों की जानकारी देने पर कांग्रेस जनों और पार्षद के द्वारा कांजी हाउस पहुंचकर विरोध करने पर SDM पहुंचे कांजी हाउस, जिन्हें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गोमास्ता, नपा उपाध्यक्ष शिव निषाद, पार्षद शेखर सोनी सहित वार्ड वासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वार्ड पार्षद व वार्ड वासियों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कांजी हाउस से बदबू आने की शिकायत करने पर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, साथ ही वार्ड पार्षद का फोन भी नहीं उठाया जा रहा था। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन व भाजपा सरकार पर गौवंश की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस जनों ने मृत गाय का PM कर दोषी पर कार्यवाही करने की मांग रखी, जिस पर SDM के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। घटना की जानकारी के बाद वहां पहुंचे हनुमान भक्त युवा समिति के सदस्यों ने भी SDM को पूर्व में हुए चक्का जाम और दिए गए ज्ञापन को याद दिलाते हुए प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। सर, ये आज जो ये कांजी हाउस में एक गाय मरी है पिछले 3 दिनों से, तो उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मुझे अभी जानकारी मिली है तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, नगर पालिका के लोगों को बुलवाया हूँ और स्वास्थ्य विभाग के पशु चिकित्सा विभाग के भी लोगों को बुलवाया हूँ, वो आकर के उसकी जाँच करेंगे कि क्या हुआ है। सर, नगर पालिका अधिकारी को फोन करने के बाद भी मतलब फोन नहीं उठाए और इतनी मतलब दिन जो हुआ और गाय का जो व्यवस्था है अभी वहाँ से बदबू आ रही है, इसको इस बारे में आपका क्या कहना है? और इसकी जिम्मेदारी जिस भी व्यक्ति को दी गई उस पर रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई। आज ये गौशाला में जो गाय मरी है, तो इसकी जानकारी आपको कब लगी और कितने बजे लगी? आज शाम को कांजी हाउस में गाय जो रखी हुई थी, जो यहाँ के पार्षदों के जानकारी में नहीं है, नगर पालिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के जानकारी में नहीं है, उनके बिना जानकारी के यहाँ गाय रख दी गई है नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा। आज शाम को यहाँ आसपास के जो दुकानदार हैं बदबू से परेशान हो गए और लगभग उनका कहना है यह है कि वो पिछले 2-3 दिनों से ये बदबू आ रही है। उन्होंने हमारे कांग्रेस जनों को जानकारी दी और उसके बाद ये जानकारी हमको हुई और फिर यहाँ के पार्षद जो पिछले 3 दिन से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं नगर पालिका के कर्मचारियों से, नगर पालिका अधिकारी थे, और इनका फोन भी उनके द्वारा रिसीव नहीं किया जा रहा है। इनको पिछले 3 दिन से ये जानकारी है कि यहाँ हल्का गंध आ रहा है, ये लगातार फोन करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कर्मचारी ना तो इनके फोन उठा रहा है और ना ही वापस इन्हें रिप्लाई कर रहा है। आज जब हमको पता चला तो फिर उसके बाद हम लोगों ने SDM साहब को जानकारी दी, CMO को फिर फोन लगाया गया, तब उन्होंने फोन उठाया और उसके बाद यहाँ कर्मचारी भेजे, उसके बाद भी इनके द्वारा ये गोलमोल जवाब दिया गया कि गोबर का गंध है, 3 दिन से सफाई नहीं हुई इसका गंध है। जब हम अंदर जाके देखे तो एक गौ माता की मृत्यु हो चुकी है और लगभग वो गल गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना निरंकुश है नगर पालिका प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो संवेदनहीन है, उसको गौ माता का रक्षा की केवल बात करती है और उनके संरक्षण से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों को? हम लोगों ने SDM साहब को फोन लगाकर फिर यहाँ बुलाया और उनके द्वारा जब तक आश्वस्त नहीं किया गया कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, तब तक हमने और साथ में ये मांग किया गया कि दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, हमने ये मांग किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। जो ये घटना हुई है और गौ माता जो वहाँ पर मृत पाई गई है, सबसे पहले तो समिति और पूरे डोंगरगढ़ वालों की तरफ से हम इसके लिए निंदा हम करते हैं कि जो हमारे डोंगरगढ़ जैसी पवित्र जगह में और इतने जहां सेवक मौजूद हैं गौ सेवा करने के लिए, उन उस जगहों पर ऐसी सब घटनाएं हो रही हैं।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए साफ साफ प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर आती है, क्योंकि जो भी गौ सेवक है, हनुमान भक्त समिति है, डोंगरगढ़ की नागरिक, डोंगरगढ़ की आम जनता है, ये निरंतर ही गौ सेवा के कार्य में लगी हुई है और जहां तक भी पहुंच सकते हैं हर संभव कार्य बिना प्रशासन की मदद से स्वयं के ही साधनों से अभी तक गौ सेवा करते आई है डोंगरगढ़ की जनता। आप लोगों के द्वारा अभी पूर्व में आंदोलन किया गया था खैरागढ़ रोड पे, है ना, इसमें आपको आश्वासन मिला था, तो क्या आश्वासन दिए थे और इस आश्वासन में कहां तक प्रशासन मतलब खरी उतरी? इसके पूर्व आंदोलन किया गया था और उसके पहले भी रिटर्न में भी हम लोगों ने वहां पर एक व्यवस्था के लिए मांग की थी प्रशासन से कि एक व्यवस्था कायम की जाए जिससे कि जो भी सड़कों पर एक्सीडेंट से गौ माता खत्म हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके और उस पर कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में आज की स्थिति जो ताजा स्थिति है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। डोंगरगढ़ की जो गवर्नमेंट है, डोंगरगढ़ में जो भी नगर पालिका परिषद के कर्मचारी इसमें जिन्हों को ड्यूटी दी गई है, एलडीओपी चंद्रा साहब ने और एसडीएम साहब ने बोले थे कि मतलब रोड पे ड्रम लगाया जाएगा, बैरिकेड लगाएंगे, प्रशासन के द्वारा दी गई ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकर के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, इसमें ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और बार बार हमें पूछने पर कहा गया है कि प्रशासनिक काम है, इसमें समय लगता है, समय के साथ साथ ये होते जाएगा। और जो उम्मीद है जो यहाँ आज जो एक गाय की मौत हुई है यहाँ, उसको किस नजरिए से देखेंगे, किस कारण से हुई आप जान सकते हैं? प्रशासन की इसमें जो कमजोर है वो उजागर होती है, प्रशासन जिसमें कमजोर है यहाँ पर नगर पालिका परिषद और जो हमारा यहाँ पर डोंगरगढ़ की प्रशासन है, एसडीएम ऑफिस से जो भी चीजें यहाँ कंट्रोल होती है वो सब इसमें कमजोर नजर आती है, क्योंकि इस यहाँ पर गाय जो थी उसकी जानकारी भी नहीं थी वार्डवासियों को और जब इसकी गंध आई तो कहा गया कि नहीं वो तो ऐसी नॉर्मल सी बात है वो गोबर वगैरह की, लेकिन देखा गया तो 3-4 दिन से वहां पर एक गाय की मृत्यु की आशंका जताई जा रही डॉक्टरों द्वारा और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से जिला ब्यूरो महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर, हम है CNI न्यूज़।